नमस्कार दोस्तों, आप सभी का इमित्र ट्रेनिंग कोर्स में स्वागत है। दोस्तों, आज के इस ट्रेनिंग कोर्स के अंदर हम जानने वाले हैं कि अगर आपने अपने इमित्र कियोस्क खोलने के लिए एक पीसी की खरीद की है या फिर लैपटॉप खरीदा है, कोई भी खरीद की है, तो उसके अंदर आपको कौन कौन से सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करा के लाने हैं या फिर आपको खुद को ज्ञान है तो आप खुद भी ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर सकते हैं। दोस्तों, कौन कौन से ऐसे सॉफ्टवेयर हैं और कौन कौन से ऐसे टूल हैं जो आपको अपने पीसी के अंदर इंस्टॉल करके रखना है, जिसकी वजह से आप कोई भी अपने इमित्र पे काम करें तो आपको कभी भी कोई समस्या ना हो, तो दोस्तों ये सभी जानकारी आज के इस वीडियो में मिलेगी। तो दोस्तों, इमित्र ट्रेनिंग कोर्स के इस वीडियो के साथ अंत तक जुड़े रहे। दोस्तों, शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आता है दोस्तों ऑपरेटिंग सिस्टम। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करवाना होगा, तो इसके अंदर आप विंडोज 7, विंडोज 8 या फिर विंडोज 10 इंस्टॉल करवा सकते हैं। अगर आप मुझसे सलाह लेंगे तो मैं विंडोज 10 इंस्टॉल कराने का आपको कहूंगा, क्योंकि ये एक लेटेस्ट वर्जन है, तो इसी का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, आपको अपने पीसी के अंदर गूगल क्रोम इंस्टॉल करना जरूरी है। एक प्रकार का ब्राउजर है जो गूगल के द्वारा चलाया जाता है, तो ज्यादातर जो काम होते हैं वो गूगल ब्राउजर के अंदर ही किए जाते हैं। ये गूगल का क्रोम ब्राउजर है, तो इसको आपको अंदर अपने पीसी के अंदर इंस्टॉल करवाना जरूरी है। इसके अलावा दोस्तों, आपको कराना है अपने जो फिंगरप्रिंट डिवाइस है, आप कौन सी फिंगरप्रिंट डिवाइस खरीदने जा रहे हैं, मंत्रा या फिर मोरको, दोनों में से किसी का भी ड्राइवर सॉफ्टवेयर भी आपको इंस्टॉल करवाना होगा। इसके अलावा दोस्तों, आपको हिंदी टूल किट इंस्टॉल करना है। आप इमित्र पे बहुत सारे काम करेंगे तब हिंदी टूल किट की जरूरत पड़ेगी, तो आपको अपने पीसी के अंदर हिंदी टूल किट भी इंस्टॉल करवाना अनिवार्य होगा। इसके अलावा दोस्तों, आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इंस्टॉल करवाना है, तो इसके अंदर आप 10 इंस्टॉल करवा सकते हैं जो मुझे बेस्ट लगता है। इसके अलावा अगर आप लेटेस्ट वर्जन यूज करना चाहे तो एमएस ऑफिस 16 भी इंस्टॉल करवा सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, आप गूगल क्रोम का इस्तेमाल करते हैं तो गूगल क्रोम हिंदी एक्सटेंशन भी आपको इंस्टॉल करना है, तो ये भी आपको गूगल के अंदर ही इंस्टॉल होगा और ऑनली जब आप गूगल पे काम करेंगे तभी ये हिंदी टूलकिट काम करेगा, इसको भी आपको इंस्टॉल जरूर करवाना है। इसके अलावा दोस्तों, आपको इंस्टॉल करना है एडोब रीडर या फिर फॉक्सिट रीडर, दोनों में से कोई भी एक आप इंस्टॉल कर सकते हैं। ये जो पीडीएफ फाइलें होती हैं उसको ओपन करने के लिए इसको काम में लिया जाता है, तो इसको भी आपको जरूर इंस्टॉल करवाना है। और इसके अंदर जो सिग्नेचर वेरिफिकेशन, जो डिजिटल सिग्नेचर का जो वेरिफिकेशन वगैरह होता है वो भी इसी के अंदर किया जाता है, तो आपको ये इंस्टॉल जरूर करवाना है। इसके अलावा दोस्तों, अगर आपको फोटोशॉप का ज्ञान है तो फोटोशॉप और कोरल ड्रॉ भी इंस्टॉल करवा सकते हैं। अगर आपको जरूरत लगती है कि फोटोशॉप का काम कर सकते हैं तो आप ये इंस्टॉल करवा सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, आपको टीम व्यूअर इंस्टॉल करवाना है। इसके अलावा इंटरनेट एक्सप्लोरर 11 इंस्टॉल करना है, .NET फ्रेमवर्क भी इंस्टॉल करवाना है और विनजिप और जावा, ये सभी जो टूल हैं वो भी आपको अपने पीसी के अंदर इंस्टॉल करवाना है, तभी आप अपने पीसी के अंदर सही तरीके से अपना इमित्र चला पाएंगे। तो दोस्तों, मैंने कंप्लीट जानकारी दी कि अगर आपको इमित्र कियोस्क खोलना है तो कौन कौन से सॉफ्टवेयर और टूल है जो आपको अपने पीसी के अंदर इंस्टॉल करवाना है। तो दोस्तों, आज की इस ट्रेनिंग सेशन में इतना ही था। दोस्तों, बहुत जल्दी मैं आपको जब भी इसका सेकंड लेसन आएगा, जो टूल किट से संबंधित जो भी लेसन आएगा उसके अंदर मैं आपको अलग से ये सभी इंस्टॉल करवाना आपको सिखा दूंगा। दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही था। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करना है, अपने दोस्तों को शेयर करना है। इसके अलावा दोस्तों, अगर आपको हमारे इमित्र ट्रेनिंग कोर्स के साथ जुड़े रहना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटे के निशान को दबाएं, ऑल नोटिफिकेशन ऑन करें, जिससे आने वाले समय में जो इमित्र ट्रेनिंग कोर्स के वीडियो आएंगे वो भी आपको मिलते रहेंगे। और इसके साथ ही साथ आप जो भी है नई अपडेट, उससे लेटेस्ट अपडेट से आपका ज्ञान बढ़ता रहेगा। तो आज के वीडियो में इतना ही था, मिलेंगे अगले वीडियो में। तो बाय बाय दोस्तों।